भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 2 के बाद अब चंद्रयान 3 को जल्द ही चांद की ओर रवाना कर सकता है। खबरों के मुताबिक इस अगले मिशन के लिए इसरो ने नवंबर 2020 तक की समय सीमा तय की है। हालांकि इसरो ने कई समितियां बनाई हैं। इसरो ने इस अगले मिशन को लेकर पैनल के साथ 3 सब समितियों की अक्टूबर से लेकर अब तक 3 उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। जानकारी के अनुसार चंद्रयान 3 में केवल लैंडर और रोवर शामिल होगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ठीक तरह से काम कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार को समीक्षा कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कई समितियों की सिफारिश पर चर्चा की है। समितियों ने संचालन शक्ति, सेंसर, इंजीनियरिंग और नेविगेशन को लेकर अपने प्रस्ताव दिए हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा कि कार्य तेज गति से चल रहा है। इसरो ने अब तक 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं का खाका खींच लिया है, जिसमें लैंडिंग साइट, नेविगेशन और लोकल नेविगेशन शामिल है। ऐसा बताया जा रहा है कि 5 अक्टूबर को एक आधिकारिक नोटिस भी जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि ये ज़रूरी है कि चंद्रयान 2 की विशेषज्ञ समिति द्वारा लैंडर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए की गई सिफारिशों पर ध्यान दिया जाए। जिन सिफारिशों को चंद्रयान 2 के एडवांस फ्लाइट प्रिपरेशन की वजह से लागू नहीं किया गया था। दूसरे वैज्ञानिकों ने कहा कि नए मिशन की प्राथमिकता लैंडर के लेग्स को मजबूत करना है, ताकि वो चांद की सतह पर तेज गति से उतरने पर क्रैश न हो। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।